भाई साहब बॉलीवुड में बहुत सारी कायापलट फिल्में पैदा हुई। एक टाइगर श्रॉफ की फिल्म गणपत रिलीज हुई जिसका बजट था 200 करोड़ और कमाई लगभग 13 करोड़। मूवी बनने में जो गुल्लक फोड़ी थी उस गुल्लक का भी खर्चा नहीं निकल पाई, मतलब 97% का नुकसान। और एक थी द कश्मीर फाइल जो 20 करोड़ में बनी थी और कमाई लगभग 241 करोड़, मतलब 17 गुना फायदा। और एक थी दंगल जिसका बजट था 70 करोड़ और कमाई 224 करोड़, मतलब 28 गुना फायदा। हो गई ना कायापलट। अब एक तरफ टाइगर श्रॉफ है, एक तरफ इमोशन है और एक तरफ है मिस्टर परफेक्टनेस्ट। इतने कम बजट वाली फिल्में इतना कमा रही हैं और हमारे टाइगर श्रॉफ की फिल्म 200 से लगभग 13 करोड़ ही कमा रही है। ऐसे में टाइगर श्रॉफ जैसे स्टार किड का क्या होगा, और होगा भी क्या? मुझे अर्जुन कपूर की लेडी किलर के बारे में बताने की कोई जरूरत नहीं है मेरे ख्याल से, बाकी सब तो आपको पता ही है।